बारात जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली एम खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने शुक्रवार को नगर परिषद बारात द्वारा आयोजित समारोह में कॉलेज तिराहे से मेडिकल कॉलेज तक बनने वाली लगभग 1350 लाख रुपए की लागत के सड़क निर्माण कार्य का विधिवत पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक पानानंद मेघवाल, निर्मला सहरिया, समाज सेवी उर्मिला जैन भाया, नगर परिषद सभापति ज्योति पारस, उप सभापति नरेश गोयल मौजूद थे। खान व गोपालन मंत्री भाया ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नगर परिषद बारा के नवगठित बोर्ड द्वारा जनता के विश्वास को पूर्ण करते हुए प्रथम फेज में कॉलेज तिराहे से मेलखेड़ी तिराहे तक 723.33 लाख की लागत से सीसी सड़क नाला एवं कलवर्ट निर्माण, द्वितीय फेज में मेलखेड़ी तिराहे से मेडिकल कॉलेज तक 594.71 लाख की लागत से 4 लेन सड़क बनाने का निर्णय लिया है। इससे बारा शहर के विकास को गति मिलेगी और मेडिकल कॉलेज बनने पर आमजन सुगमता से पहुंच सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्य को गति देते हुए शीघ्र ही विवेकानंद पार्क के समीप स्थित गौशाला का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। श्रीराम स्टेडियम के सामने चौपाटी का विकास एवं डोल मेला क्षेत्र में विकास कार्यों के माध्यम से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बारा में मेडिकल कॉलेज की घोषणा से क्षेत्र के विकास को पंख लगेंगे और शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज एवं झालावाड़ रोड पर आरओबी के कार्य शिलान्यास भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसेवा के संकल्प के साथ बारा जिले में परवर वृहद परियोजना का कार्य जन के हित में किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के कृषि कानून को किसान विरोधी व काला कानून बताते हुए किसान आंदोलन के दौरान 70 किसानों की मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए उपस्थित नागरिकों के साथ 2 मिनट का मौन भी रखा। जिला प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ग के कल्याण हेतु संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को सुनिश्चित किया जा रहा है।